किसान के पक्ष की सरकार चाहते हैं और किसान हितैषी सरकार है वो आरएलपी सरकार ही है। इस बार कांग्रेस और आरएलपी की टक्कर है, टक्कर है। राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी, 100% रिपीट होगी, बिल्कुल। अच्छा, क्यों आपको? दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव आने ही वाले हैं। चुनावों से ठीक पहले हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बुजुर्गों व युवाओं के चुनावी राय के वीडियो पहुंचाते हैं। और आज मैं हूं जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रातड़ी कला गाँव के अंदर हूँ। यहाँ पर मेरे साथ में इसी गांव के यहां पे स्थानीय नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर भोपालगढ़ के युवाओं की क्या सोच है चुनावों को लेकर के, वह यहाँ के क्या स्थानीय लोगों के क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है सर? हरेंद्र। हरेंद्र, चुनाव आ रहे हैं राजस्थान में, क्या है भोपालगढ़ के युवा क्या चाहते हैं इस बार? इस बार पिछली बार भी आरएलपी को वोट दिया, इस बार भी आरएलपी को। अच्छा, क्योंकि आरएलपी ने शिक्षा, सड़क, पानी, लाइट सब अच्छी सुविधा की, जो काम पिछले आज तक विधेयक बनने ने उन्होंने नहीं किया वो काम इस बार आरएलपी ने करवाया। अच्छा, आरएलपी से यहाँ पे 2018 के अंदर पार्टी लॉन्च हुई थी, पहली ही बार में भोपालगढ़ की सीट आरएलपी के झोली में जा गिरी थी। इस बार आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, वो भी पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहे हैं, वो चुनाव से पहले गर्द बैठ जाएंगे? अच्छा, क्यों? क्योंकि एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। अच्छा, क्या लगता है और राजस्थान में आरएलपी का किस प्रकार से प्रदर्शन रहेगा? अच्छी सीट आएगी, आप देखना, 50+। 50+, लेकिन सरकार 50+ से नहीं बनती है? अरे, और आ जाएगी, बसपा वगैरह सबसे गठबंधन का चल रहा है। अच्छा, चल रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। भाई साहब, आपका क्या नाम है? चौथाराम। चौथाराम जी, क्या मुद्दा है यहाँ के लोगों के, आखिर मुद्दे क्या है? आखिर मुद्दे यही है, किसान के पक्ष की सरकार चाहते हैं और किसान हितैषी सरकार है वो आरएलपी सरकार ही है। अच्छा, कैसे आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अलावा कांग्रेस भी कहती है हम भी किसान हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी कहती है वो भी किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं? किसानों के लिए थी, लेकिन अब नहीं है, वो अपनी नींद सो रहे हैं, अपनी कमाई करके सो गए, तो किसानों को नई पार्टी चाहिए, अब नहीं है आरएलपी। अच्छा, और हर बुजुर्ग ले, महिलाओं ले और युवाओं ले, सबको आरएलपी चाहिए। कहीं लागे आरएलपी को, कहीं भविष्य रहे राजस्थान में, एक बार कड़ प्रदर्शन रहे, प्लस ही रहेगा आरएलपी। अच्छा, कितनी सीट आ जाए? लगभग लगभग 60+ ही रहेगा, 60+ रहेगा। अच्छा, कहीं लागे हनुमान बेनीवाल सरकार में रही या फिर बगावती तेवर करन अलग ही रही? वो सरकार में ही रहेगा, काम करेगा, वो किसान के इतिहास में तो सरकार में ही रहेगा। अच्छा, और कहीं स्थानीय मुद्दा है, अगर विधायक साहब की बात करो तो कामकाज कड़ो करो फिल्टर में, कामकाज सबसे तेज, सबों फर्स्ट काम करेगा हमारे विधानसभा। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? भागीरथ जाजड़ा। अच्छा भागीरथ जी, क्या लगता है इस बार भोपालगढ़ के अंदर यहाँ पे क्या है, लोगों की राय क्या है, आखिर क्या सोच है इस बार? इस बार कांग्रेस और आरएलपी की टक्कर है, टक्कर है। अच्छा, पिछली बार भी कांग्रेस और आरएलपी की थी। अच्छा, क्या लगता है कौन बाजी मार सकता है इस बार भोपालगढ़ में? बाजी तो अब की बार एक टक्कर दोनों के भी है और आरएलपी भी मार सकती है, और कैंडिडेट चेंज करे गीता बड़बड़ तो कांग्रेस भी आ सकती। अच्छा, आप चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो उम्मीदवार है वो चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। अच्छा, ठीक, आप खुश नहीं है उनसे? खुश नहीं। क्यों? वो यहाँ का स्थानीय है नहीं। अच्छा, स्थानीय नेता कोई है नहीं, इसीलिए कांग्रेस माइनस में जाती है। अच्छा, अच्छा, कामकाज कैसा हुआ इस क्षेत्र में? कामकाज तो आरएलपी का ही अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरवण राम। अच्छा सरवण राम जी, आपका क्या ख्याल है, क्या लगता है इस बार राजस्थान में कौन बाजी मारेगा? राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी, 100% रिपीट होगी, बिल्कुल। अच्छा, क्यों आपको लगता है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अच्छा काम किया या फिर कोई और वजह? काम खूब किया है, हर प्रकार की आप योजना देख लो, अशोक जी से मतलब सब पीछे। क्या लोग, पहले हम एक गांव में गए थे, वहां पे कुछ युवा थे, वो कह रहे थे नहीं हमारे तो पेपर लीक हुए, हमारा भविष्य बर्बाद हुआ, पेपर जो लीक हुए उस मामले को रोकने में सरकार नाकाम रही, ऐसा सब पार्टी में होता रहता है, ऐसा कोई नया हुआ नहीं। लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं होना तो नहीं चाहिए, ये बात सही है, करने वाले मतलब बहुत है ऐसे, बाकी काम अशोक जी ने खूब किया है, हर प्रकार की योजना देख लो आप। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है पुखराज जी, उनका कामकाज कैसा रहा भोपालगढ़ में? पुखराज के ठीक है कामकाज, ऐसा नहीं है, सीधा सरल स्वभाव का आदमी है वो भी, ये बात। अच्छा,